द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज़, तो देखो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है न्यूमरिकली देखा जाए तो 6.63 इंटू 10^-34 SI यूनिट के अंदर। और इसका SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूला E इज़ इक्वल टू एच न्यू। अभी H इज़ इक्वल टू क्या आएगा, देखो यूनिट इज़ एनर्जी का यूनिट जूल एंड न्यू मतलब पर सेकंड होता है, तो इधर आ जाएगा तो सेकंड मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो H इज़ इक्वल टू क्या है, 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकंड। तो जूल सेकंड मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, तो ये जूल पर सेकंड नहीं है, जूल सेकंड होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन, राइट।